हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि गुंडा एक्ट का मुकदमा आपका अगर चल रहा है कोर्ट में तो उसे ख़त्म कैसे कराया जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई मामला, लड़ाई, झगड़ा, वाद विवाद या चुनावी रंजिश या किसी भी मामले को लेकर आपके ऊपर अगर गुंडा एक्ट का मुकदमा कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो कहीं जब आपका एडीएम सिटी के यहाँ या एडीएम के यहाँ इस तरह की कोर्टों में आपका मुकदमा जब गुंडा एक्ट का चल रहा होता है तो बार बार हर तारीख पे आपको जाना पड़ता, न जाने की कंडीशन में आप के खिलाफ वारंट भी जारी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम आज आपको बताएंगे बड़ी आसानी से गुंडा एक्ट का मुकदमा कैसे ख़त्म किया जाए। देखिए, गुंडा एक्ट का जब मुकदमा होता है तो आपको एक नोटिस मिलती है, उस नोटिस का जवाब आपको देना होता है निर्धारित समय में। सबसे पहला काम तो आप उस नोटिस का जवाब तैयार करें, उस नोटिस का जवाब रिटेन में जवाब दीजिए कि भाई ये जो मुकदमा पुलिस द्वारा करा गया है, किया गया है हमारे ऊपर, गलत है, फर्जी है, हम गुंडे प्रवृत्ति के आदमी नहीं हैं और हमारी सामाजिक स्टेटस जो है देख लिया जाए, हमारी ख्याति गुंडा वाली नहीं है और ना हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है इस मुकदमे के अलावा। तो इस तमाम ऐसे ग्राउंड्स, भाई एक ही वीडियो में हर चीज़ बता पाना संभव है। तो जब आप नोटिस का जवाब देंगे उसके बाद गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप विथ एफिडेविट 10 रुपये के स्टाम्प पे एक हलफनामा दीजिए 5 लोगों का। अब वो 5 लोग कौन होने चाहिए, जहाँ की ये घटना बताई जा रही वो अपने गांव समाज के कोई जिला पंचायत सदस्य हो, नगर निगम का आदमी हो या फिर आप नगर पंचायत जो होते हैं मेंबर वगैरह उनका दे दीजिए, या क्षेत्र पंचायत सदस्य BDC हो, ग्राम प्रधान हो, उनका जो है एक एफिडेविट के साथ, नोटरी एफिडेविट के 10 रुपये के स्टाम्प के साथ आप दीजिए। उसमें आप लिखाइए कि भाई हम इनको जानते हैं, इनकी ख्याति ये है, इन्होंने किस तरह से कोई आपराधिक घटना नहीं कभी कारित की है, इन्हें हम बचपन से जानते, तमाम ऐसे ग्राउंड्स होते हैं कि जो उसमें लगाया जाना आवश्यक होता है, जिसके आधार पर जो आपका गुंडा एक्ट का केस है, गुंडा एक्ट का मुकदमा है, वो कोर्ट ख़त्म कर सके। तो जब आप 5 लोगों का एफिडेविट आप दे देंगे, 5 गांव समाज के, आप अपने समाज के अच्छे नागरिकों का या ये समझिए जैसे हमने बताया ना BDC, ग्राम प्रधान, तो भाई ये गांव के नामचीन कह लीजिए, सम्मानित कह लीजिए व्यक्ति होते हैं, तो आप इनका जब हलफनामा देंगे, इन्हें एक बार ले भी जाना होगा, साइन भी करवाना होगा, तो जब आप गवाही भी करा देंगे, ले जाने का मतलब ही गवाही हो गई, तो आपके पक्ष में जब ये गवाही कर देंगे तो उसी पे वो गवाहों की बात और जो नोटिस में आपने जवाब दिया अगर और कोई सबूत है वो सब चीज़ें इंक्लूड करते हुए लगाते हुए आप दीजिए। आपके वकील साहब उस पर बहस कर देंगे और बहस करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि जो आप बातें कह रहे हैं वो सही हैं, जो ये गवाही आपकी तरफ से गुजरी है वो भी सब सही आपके फेवर में ही बातें कह रहे हैं, तो आपके खिलाफ़ जो गुंडा एक्ट का मुकदमा चल रहा है वो गुंडा एक्ट का मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, उसकी कार्रवाई बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। तो कहने का मतलब ये, गुंडा एक्ट के मुकदमे से आप भी हैरान हैं, परेशान हैं, कोई चारा नहीं है, आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर कमेंट करके। अगर फिर भी लगता है कि हमसे आपको बात करनी चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे आप फ़ोन करके हमसे बात भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।